हैं माय चॉइस लेडी शॉप के स्टॉल में। हम मैम से बात करते हैं कि इनका स्टॉल किस बारे में है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं साहब? ठीक, बिल्कुल ठीक मैम। आप कैसी हैं और आपका स्टॉल किस बारे में है, इस बारे में बताएं। हमारा मेन जो है वो ख्वातीन के हवाले से है, उनके लिए नाइटीज़ हैं, उनके लिए कॉस्मेटिक्स हैं कि वो कैसे ख़ुद को संवारें। ज़्यादा हमारा इसी पर फोकस है कि ख्वातीन जो है, क्योंकि वो खूबसूरत लगती हैं तो उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और बताएं कि आपको कुछ सेटबैक्स का, कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इस बिज़नेस से रिलेटेड? हाँ जी, वो तो हर वक्त आपको पता है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसके लिए करना पड़ता है, लेकिन स्पेशली ख़वातीन, तो ख़वातीन के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि वो कोई भी काम शुरू करें और उसको कैसे लेके आएं। हमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 ईयर्स हो गए हैं और एक शॉप हमारी जो है वो गुलशन मार्केट में है, एक हमारी मुमताज़ाबाद में हमने स्टार्ट की है, और हम नेक्स्ट अपने जो है भांजियाँ भांजे उनको भी प्रमोट करें इसी हवाले से, ताकि वो किस तरह से बिज़नेस करें, किस तरह से उसको आगे लेके चलें। तो इसमें बहुत तो यही, एक तो सपोर्ट का मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में हमें सपोर्ट तो किया, लेकिन फिर लोग ख़वातीन आपको पता है स्पेशली शाय करती हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी ख़वातीन की दुआएं मिल रही हैं, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। मम्मा को मेरी डेथ हो गई है तो 15 ईयर्स हो गया उनको, तो उस वक्त हमें, हमारे लिए ये टास्क मुश्किल था कि हम जो असल चीज़ें हैं उसको कैसे करें, लेकिन फिर जैसे जैसे हम मतलब मूव होते गए, बड़े होते गए, वैसे वैसे हमने वो चीज़ें लोगों के लिए की, कि जब हम जब थे हमें नहीं पता था कि हम कोई ऐसी शॉप में जाएं जहां पे सिर्फ लेडीज़ हों, जहां सिर्फ हमें लेडीज़ ही करें और हम अपनी एसेसरीज़ जो है वो मज़े से ले सकें या जो हमारा दिल है हम ले सकें, हमको वो ये ना हो कि हम कैसे कहें क्या कहें। तो वो फिर हमने मम्मा के बाद इस चीज़ को आगे ले कर चले, इसको मिशन बनाया कि हमें अल्लाह ताला ने जब भी इस काबिल किया तो हम इसको ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम।